नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी साथियों के लिए एक एग्जाम वैकेंसी जो आई हुई है इन दिनों, जो भी मेरे बहुत सारे साथी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी, जैसे आप ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर की पोस्ट के नाम से जानते हैं, इनके लिए वैकेंसी हाल ही के दिनों में राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली हुई है। तो राजस्थान के वन विभाग के द्वारा ये जो नौकरी है, इसका 5400 पे ग्रेड के अंदर काउंट की जाती है। और इसके लिए हाल ही में आपके लिए जो सूचना मैं लेके आ रहा हूँ वो ये है कि आज इसकी आखिरी डेट है। तो आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी जिसका साइंस बैकग्राउंड है, या फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और काफ़ी रेप्यूटेटेड जॉब ये कंसिडर की जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये एग्जाम का फॉर्म की डेट लास्ट है, ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी है और मैं आपका कहां पर मदद कर पाऊंगा, वो सारी जानकारी आपको इस डिटेल वीडियो में मैं आपके सामने साझा करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरे हाल ही में SSC के अंदर, रेलवे के अंदर और RPSC के अंदर मेरी क्लासेस चल रही हैं, और उन सभी क्लासेस के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित10 है, जो मेरे द्वारा अनअकैडमी पर ली जा रही हैं। अगर आप में से कोई विद्यार्थी अनअकैडमी पर जुड़ करके कोई भी क्लासेस लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 लेकर के उन्हें यूज़ कर सकता है। मेरी UPSC की क्लासेस और RPSC की क्लासेस के लिए भी आप लोग अनअकैडमी पर रेफरल कोड अंकित10 यूज़ करके फीस के अंदर 10% डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम आपके साथ में एक एक करके सारी बातें जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले जो जानकारी साझा कर रहा हूं वो आप देखें। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको आज पता होनी चाहिए वो ये है कि आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है। सर, ये नौकरी कौन सी है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एक एक करके मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात बनती है साथियों, ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसके लिए कुल 99 पोस्ट हैं मेरे प्यारे साथियों, और वन रेंज ऑफिसर, जिसे आप रेंजर कहते हैं, इसके लिए 105 सीट्स हैं। इन दोनों सीट्स के लिए साथियों आज 23 फरवरी आखिरी तारीख है। अगर आपने रात 12 बजे से पहले पहले इसका फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इन कुल दोनों पदों के लिए क्या पढ़ना होगा, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होगा, चलिए मैं अब आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए वो ये है मेरे प्यारे साथियों कि इस एग्जाम के सिलेबस में तीन तरह की चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? नंबर एक, आपसे पूछा जाएगा GK, जनरल नॉलेज। नंबर दो, आपसे पूछा जाएगा साथियों इंग्लिश। मैं इन सभी के बारे में आपको आगे चल के विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। नंबर तीन और नंबर चार, ये हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल लेना यहां पर जरूरी है। यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से समझिए कि एग्जाम के लिए कंपलसरी है। ऑप्शनल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया गया है जिनमें से आपको एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना है। मैं उनके नाम भी आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके साथ कि यहां पर GK आएगी, और वो GK कितने नंबर की आएगी मेरे प्यारे साथियों? 100 नंबर की आएगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें GK में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप अवश्य ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज है मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश, यह भी 100 नंबर की पूछी जाएगी। अब यहां पर एक बात समझने की है कि ये 100-100 नंबर का दोनों पेपर जो है ये आप लोगों के लिए पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट कितनी देर में करना है, 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, ये भी मैं आप लोगों को यहां पर बताता चलता हूं। साथियों, अब पेपर नंबर 3 और 4 की बात कर लेते हैं। पेपर नंबर 3 में आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना होगा, और पेपर नंबर 4 में भी आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना होगा। इसमें ऑप्शनल आप कौन से ले सकते हैं तो मैं आपको बता दूं। हां, एक बात और बता देता हूं, यहां पर ऑप्शनल 1 जो है वो 200 नंबर का है, और ऑप्शनल 2 भी यहां पर 200 नंबर का है। दो बातें तो ये पता चलती हैं। इन 200 मार्क्स के से अगर हम सबको जोड़ दें तो इस प्रकार से आपका कुल नंबर जो बनता है वो 600 मार्क्स बनता है। 200, 200, 100 एंड 100, तो इस प्रकार से कुल 600 मार्क्स का आपका यह पेपर बनता है। क्लियर? अच्छा, इसके अतिरिक्त इस पेपर में 75 मार्क्स का आप लोगों के लिए इंटरव्यू रखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जब फाइनल सिलेक्शन पाएंगे तो 675 मार्क्स में से आपको स्कोर करना होगा। साथियों, क्या इसमें PT और मेंस जैसा कोई सिस्टम है क्या?
नहीं, इसमें कोई प्रिलिम्स नहीं है, एट ए वन गो ये एग्जाम है। मतलब आपको कोई प्रिलिम्स का इंतजार नहीं करना है, आपको सीधे पेपर देने बैठना है और ये सभी पेपर आपके साथ टाइम ड्यूरेशन के साथ बता दिए जाएंगे विद इन 7 डेज और 15 डेज जो भी आपका होगा वो आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है यहां पर एक ही पेपर होना है, यानी प्रिलिम्स और मेंस जैसी स्थिति नहीं होनी है। एक पेपर से मेरा मतलब ये नहीं है कि जीके इंग्लिश ऑप्शनल एक ही पेपर में पूछ लिए जाएंगे, मेरा मतलब है कि ये एक साथ आएंगे। मतलब हो सकता है कि आज की तारीख में अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं तो 23 फरवरी को एक पेपर हो गया, 24 फरवरी को दूसरा हो गया, 25 को तीसरा हो गया, ऐसे करके पेपर होते चले जाएंगे। अच्छा, अब बात निकल के आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर जो लिए जा सकते हैं तो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर 14 सब्जेक्ट यहां पर डिक्लेयर किए हैं। उन 14 सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिजिक्स, वेटनरी साइंस, बॉटनी, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, एनवायरमेंट साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक और जूलॉजी, ये 14 सब्जेक्ट यहां पर इन्होंने पूरी लिस्ट के दिए हैं जिनको कि आप अपनी आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल सिलेबस इनका दिया हुआ है। साथियों, इसके अतिरिक्त भी इस एग्जाम में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं। साथियों, जब हम पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन में जीके और इंग्लिश को कंसीडर किया जाएगा। जब मैं जीके की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जीके के अंदर आप लोगों के लिए क्या क्या रखा गया है तो वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, साथियों, जीके के अंदर जो पहला सेक्शन आप लोगों के लिए रखा गया है उसमें कंसीडर किया गया है सबसे पहले हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को, नंबर एक। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड राजस्थान। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए जो दूसरा पेपर कंसीडर किया गया, मतलब इसी पेपर के अंदर और जो हिस्से कंसीडर किए गए हैं मैं वो आपको बताता हूं। ऐसे ही इसमें इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ऐसे ही जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। तो कुल मिलाकर के ये सेक्शंस आपके सामने हैं। अगर मैं इन सेक्शंस को आपके साथ एक एक करके बोलता चला जाऊं तो करंट अफेयर नंबर वन, जनरल साइंस नंबर टू, नंबर थ्री की अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, नंबर चार की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो आपके सामने ज्योग्राफी ऑफ इंडियन, ज्योग्राफी इंडियन इकोनॉमी, नंबर चार की अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी, इसी प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके साथ में मेरे प्यारे साथियों तो आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के अलावा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके सामने इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान और साथ में आपके जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। तो यहां पर आप लोगों को ये सारे सिलेबस करके एग्जाम के अंदर जाना कंपलसरी है, तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो इस पेपर में कहीं भी पॉलिटी की चर्चा नहीं है, यानी इस पेपर के अंदर राजनीति जो है, पॉलिटिकल साइंस जिसको अपन कहते हैं, वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, लेकिन इसमें पॉलिटी कहीं भी नहीं है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स है। तो ये तो हो गया 100 मार्क्स का पेपर। अब हम बढ़ते हैं बाकी जो सेकंड ऑप्शन है इसका, इंग्लिश, जिसको भी करना कंपलसरी है। हाँ भाई, एक बात और मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, ये समझ लीजिएगा कि ये जो पेपर आएगा, जो पेपर मतलब वन के अंदर जीके वाला 100 नंबर का पेपर है, ये 100 मार्क्स का होगा और इसमें क्वेश्चन भी 100 होंगे। टाइम इसको करने का 3 घंटे दिया जाएगा, सभी क्वेश्चंस बराबर नंबर के होंगे और कोई भी नेगेटिव देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस प्रकार से आपके लिए ये अतिरिक्त जानकारी बनती है। अब होती है बात कि सर इंग्लिश का क्या है, तो देखिए इंग्लिश जो आपसे यहां पूछी जा रही है उसमें आर्टिकल, डिटरमिनेंस, प्रीपोजिशंस, टेंस ऑफ सीक्वेंस, मॉडल्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी या फिर आरपीएससी की तैयारी किया है तो लगभग वही सारा सिलेबस है यहां पर जो यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का ये पेपर होगा और सभी क्वेश्चन बराबर होंगे सभी नंबरों के और नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को हमने ये आपके सामने बता दिया कि जीके और इंग्लिश। अब ये दो बातें बताने के बाद, ये दो बातें बता, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि टोटल 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उन 14 में से आपको किन्हीं दो को चूज करना है। दो को चूज करते समय सामान्यतया विद्यार्थी जिन सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं उन सब्जेक्ट्स को वो ले लेते हैं, लेकिन एक जर्नल सर्वे जो मेरे पास है जिसमें मैंने लोगों को देखा है पढ़ते हुए, उनमें से अधिकांश बच्चों ने एनवायरमेंटल साइंस को अपने एक ऑप्शनल के रूप में चूज किया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम में एनवायरमेंट काफी अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप लोगों के पास एनवायरमेंट एज ए बैकअप सब्जेक्ट होता है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो एनवायरमेंट का सिलेबस है वो लगभग वैसा ही है जैसा कि आप लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और मेरा काफी लंबा अनुभव यूपीएससी के लिए एनवायरमेंट पढ़ाने का रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो यहां पर चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए सबसे पहले एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते आए हैं, जैसे कि सबसे पहले यूनिट वन एनवायरनमेंट के अंदर जो बात की गई है डेफिनेशन स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस, तो इसमें इकोलॉजी की बात की गई है। ये पूरा डिटेल सिलेबस जो है वो आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर जो 3 है वो है साथियों कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम से, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम से। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों जो चैप्टर नंबर 4 है वो चैप्टर नंबर 4 लिया गया है, यहां पर चैप्टर नंबर 4 लिया गया है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी से, चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी से है। चैप्टर नंबर 5 डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन से है। चैप्टर नंबर 6 सोशल इश्यूज एंड एनवायरमेंट, ये आपके सामने लिया गया है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर जो 7 है मेरे साथियों वो आपके लिए लिया गया है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट से। चैप्टर नंबर जो 7 लिया गया है वो लिया गया है ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट से। इसी क्रम में चैप्टर नंबर 8 लिया गया है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, तो आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल लॉज, ये सारी चीजें यहां पर डिटेल से पूछी गई हैं, आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहता है तो मेरा अपना अनुभव जो एनवायरनमेंट को पढ़ाने का रहा है उसका लाभ आपको अवश्य मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 होंगे, क्वेश्चन यहां 120 पूछे जाएंगे। यहां ध्यान रखने की बात है इंग्लिश और जीके में 100-100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 100 ही मतलब मिनट मतलब 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही नंबर है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन 120 है और पेपर जो है वो 200 नंबर का है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ पेपर जो है वो 3 घंटे का ही है, फिर से वही बात सभी बराबर है और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो होपफुली आपको मेरे द्वारा ये जो जानकारी साझा की गई है इसका आपको कोई लाभ हो सके। अब बात बनती है कि मैं आप लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी हूँ। तो साथियों जो मैंने आपको सूचनाएं दी इनमें आपके सामने एक तो बात निकल के आई जीके की, जो कि इंडियन जीके। तो मैं अब मेरा पुराना जो मतलब अनुभव रहा है वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है, मैं विद्यार्थियों को स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए क्लासेस पढ़ाता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पेपर वन का सिलेबस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि क्या आप वो क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और चूंकि समय आपके पास बहुत सीमित है, एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 3 महीने के बाद ही होगा, अभी तो फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, इसके बाद फिर इसका करेक्शन फॉर्म आएगा, इसके बाद आप लोग इसके बारे में फिर 45 दिन उसके बाद में आते हैं, तो इस प्रकार से कम 3 महीने बाद आपका एग्जाम पर सपोज्ड है। तो ऐसी स्थिति में आपसे बात सवाल यह की जा रही है, अगर आप मुझसे अन अकेडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि क्या आप पेपर वन पढ़ना चाहते हैं या एनवायरनमेंट पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं एनवायरनमेंट की क्लासेस शुरू करने वाला हूं, ऐसी स्थिति में मैं अपने कोर्स को इस प्रकार डिजाइन करूंगा कि आपके एग्जाम से पूर्व ही यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले पहले ही आप लोगों को पूरा एनवायरनमेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ में डिटेल से पढ़ा सकूं। मैंने एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा दिनों तक बच्चों को यूपीएससी के लिए पढ़ाया है, तो अगर आप भी मेरे साथ ही उसको साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप किस प्रकार से इसे पढ़ाई करना चाहते हैं। होपफुली आप सभी साथियों को मेरे द्वारा दिया गया सेशन उपयोगी लगा होगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, आप इसका उपयोग अन अकेडमी पर किसी भी क्लास के लिए कर सकते हैं। अंकित10 रेफरल कोड से अन अकेडमी पर जो भी क्लासेस उपलब्ध हैं आपको वो सभी क्लासेस उपलब्ध मतलब आपको फ्री ऑफ मतलब 10% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हो जाती हैं। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।